हेलो फ्रेंड, अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं तो क्या एग्जाम बुक रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है और एलपीटी टेस्ट, इसका बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या पूछा जाता है। आपको यहाँ पर मिलने वाले प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स और बेस्ट एग्जाम बुक, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसका जो प्रीलिम्स होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे, 20 मिनट की अवधि होगी। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट की अवधि होगी। रीजनल एबिलिटी में 35 यानी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट की अवधि होगी। टोटल 100 मार्क्स के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट की अवधि होगी, ठीक है। यानी 1 घंटे का पेपर होगा प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स पास होने के बाद जो आपको मेंस के एग्जाम देने का मौका मिलेगा तो ये आपके 200 मार्क्स के आएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 135 मिनट की आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस होगा, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज होगा। सारा कुछ मल्टीपल चॉइस में होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग इसमें की जा रही है 1/3 की, लेकिन आप कंफ्यूजन कुछ ना रखिएगा इसमें, ठीक है। ये सब एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका, ठीक है। बात करते हैं जो मोर कंफ्यूजन हो रहा है कि एलपीटी में क्या पूछते हैं, तो भाषा प्रवीणता परीक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट। अब देख लीजिए, लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट के माध्यम से संबंधित जोन के मूल ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। स्टूडेंट्स ने जिस जोन से आवेदन दिया है उस क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में निपुण होना चाहिए, तभी आपको उस क्षेत्र में असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो ब्रीफली इसमें ये समझ लीजिए कि ये जोन वाइज जो वैकेंसी इन्होंने असिस्टेंट की निकाली है आरबीआई ने, आपने जिस जोन से भरा है, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, जिस भी जोन से पूरे भारत में भरा है, उस जोन की लैंग्वेज की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। लैंग्वेज उस क्षेत्र की आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, वहां के सारी जानकारी आपको आनी चाहिए, तभी आपको उस जोन में नियुक्ति मिलेगी, ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आपने प्री पास किया है तो मेंस देने का मौका मिलेगा, मेंस जब आप पास कर लेंगे तब आपको एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट दिया जाएगा, लिया जाएगा, और इसमें आपको पास होना बहुत जरूरी है। अब बुक्स की बात कर ले तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बुक डाल दी है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और एलपीटी के लिए। आपको जो बुक आपके बजट के हिसाब से सही लगे, और प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पर डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक दिया गया है, वहां घर बैठे आप सब कुछ मंगा सकते हैं, ठीक है। चैनल पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि ये इस चैनल से जुड़ के आपका कोई फायदा हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।